ये रेगुलर कंपनी का ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जनता को अनायासी परेशान किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश जन सुरक्षा में दिया है, लेकिन पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, बेजा जनता पे दबाव बना रही है। हेलमेटों की दुकानों में नोटबंदी की भांति लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग भांति भांति के महंगे महंगे हेलमेट आ गए हैं बाज़ार में। बड़ी बात ये थी कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 10 तारीख के बाद इसको लागू किया जाएगा, और पुलिस उच्च अधिकारियों ने भी कहा था कि हम 10 तारीख के बाद इसे लागू करेंगे, लेकिन शुरुआत में जनता को अवेयर किया जाएगा। पूरे देहरादून में कहीं भी डबल हेलमेट को लेकर के कोई भी पुलिस का होर्डिंग नहीं लगाया गया है। CPO जबरदस्ती लोगों के चालान काट रही है। आजकल तो CPO एक सूत्रीय कार्यक्रम पर लगी हुई है कि कहीं भी खड़े हो जाओ और उसके बाद उन्हें जो डबल हेलमेट वाला नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका चालान काट दे रही है। कितनी डिमांड बढ़ गई है, किस तरह से आ रहे हैं लोग? हमारे तो पहले भी बेचते थे, अब थोड़े ज़्यादा बिक रहे हैं। अच्छा, किस तरह से डिमांड आ रही है? लोग छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े बड़े भी ले रहे हैं। मेरे पास चाय एजेंसियाँ शुरू से हैं। अच्छा, किस तरह? मैक्सिमम मेरे पास ISI बेचता हूँ। ISI बेचते हैं? मेरे पास स्टील बर्ड का है, ISI का। अच्छा, नहीं तो छोटे बड़े लोग सभी बर्ड का है, सब है। जो भी मेरे पास हेलमेट है वो खेत, अब मेरे उसके पास डिस्काउंट है। जैसे मैं पहले 10% डिस्काउंट देता, आज भी दे रहा हूँ सब हेलमेट। तो हर तरह के हमें हेलमेट मिल रहे हैं, छोटे बड़े सब लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हेलमेट उनकी अपनी सुरक्षा है। पुराना डाटा भी यही कहता है कि जो लोग हेलमेट लगा के चलते हैं टू व्हीलर पे, उनको लाइफ का थ्रेट कम है, क्योंकि अधिकांश डेथ जो है हेड इंजरी से हो रही है। तो ऐसे में अगर हेलमेट होगा तो लाइफ बचने की संभावना ज़्यादा है। तो हम इस बार जो है कोशिश कर रहे हैं 10 अगस्त से इसको लागू करने का। सबसे पहले तो हम अपील ही कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इसको माने, और फिर लोगों को एजुकेट भी करेंगे, एक आध हफ्ता उनको वार्निंग देंगे, काउंसलिंग करेंगे, और उसके बाद लोग नहीं मानेंगे तो फिर एनफोर्समेंट करेंगे, चालान करेंगे।